सो हेलो एवरीवन। सो सबसे पहले मैं इंस्टीट्यूट को धन्यवाद कहना चाहता हूँ दैट दे हैव टेकन द डिसीजन फॉर द बेनिफिट्स ऑफ द स्टूडेंट्स एट लार्ज एंड डिसाइडेड टू पोस्टपोन द एग्जामिनेशंस, ताकि एटलीस्ट एक जो स्टूडेंट्स के मन में जो एक क्लैरिटी मिसिंग थी वो क्लैरिटी आ गई कि हाँ एग्जाम्स पोस्टपोन हो गया है, जून में एग्जामिनेशंस नहीं है, आगे भी जैसे सही लगेगा वैसे ऐसे अपने डिसीजंस लेगा। बट करेंटली द सिनेरियो इज दैट कि यस, जून के अंदर एग्जाम्स नहीं है, जुलाई 29 से एग्जामिनेशंस हैं। तो एक अच्छा डिसीजन था इंस्टीट्यूट का कि एटलीस्ट दे हैव क्लियर्ड द ईयर, एटलीस्ट वो एक एम्बिगिटी, वो कन्फ्यूजन खत्म हो गया है। बट एक रिक्वेस्ट और है मेरा से ये इंस्टीट्यूट से, दैट इज काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने सिर्फ एक ग्रुप का फॉर्म भर रखा था, बट क्योंकि अब एग्जाम्स इतने ज़्यादा पोस्टपोन्ड हो गए हैं और जुलाई एंड को एग्जाम्स होने की बात हो रही है, सो दैट इज़ वाई वो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि हम अब बोथ ग्रुप दे सकें, बिकॉज हमारे पास टाइम सफिशियंट है और हमने तैयारी कर रखी थी पहले से, मे बी क्लासेस लगा रखी थी। तो मैं इंस्टीट्यूट से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ जो एग्ज़ाम का करेक्शन विंडो है वो दोबारा से ओपन करें, और जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने एक ग्रुप का फॉर्म भर रखा था उनको दोबारा से मौका दिया जाए कि वो दोबारा से एग्ज़ाम फॉर्म को फिल कर सकें और बोथ ग्रुप्स के लिए अप्लाई कर सकें। सो दिस इज माई रिक्वेस्ट टू द इंस्टीट्यूट। मेरे जितने पर्सनल कॉन्टैक्ट्स हैं ICIM में, मैं सब तक ये बात पहुँचाऊँगा, और आपसे भी रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को शेयर करें और ये बात इंस्टीट्यूट तक पहुँचाएँ, बिकॉज हो सकता है कि आपको अपना एग्जाम फॉर्म चेंज ना कराना हो, बट आपके काफ़ी ऐसे दोस्त हो सकते हैं जिनको अपना एग्जाम फॉर्म चेंज कराना है, फर्स्ट ग्रुप से बोथ ग्रुप में शिफ्ट होना है, एंड दिस कैन बी रियली वेरी वेरी हेल्पफुल टू यू ऑल, राइट। हमारी ऑडिट सागा की टीम, अपना मेंटर की टीम भी आपके लिए कुछ अनाउंसमेंट्स लेकर आएगी, बहुत जल्द वो अनाउंसमेंट्स लेकर आएगी कि कंसिडरिंग द एक्सटेंशन, कंसिडरिंग द पोस्टपोनमेंट, हम क्या डिसीजंस ले रहे हैं स्टूडेंट्स वेलफेयर के लिए। सो अगेन वेट फॉर दैट एज वेल। थैंक यू।